मित्रों जय माता दी। 2 नवंबर शनिवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको दैनिक पंचांग, सभी राशियों का राशिफल, राशि परिचय एवं कुछ खास टिप्स की जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिन है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को, यानी जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 2 नवंबर शनिवार 2024 श्री सुसंवत 2081 शक संवत 1946 कार्तिक महीना उजाला पाक पर्यवा तिथि सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, विशाखा नक्षत्र रात्र में, यानी प्रातः 5:31 तक रहेंगे। तदुपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। दिशा सूर्य पूर्व दिशा, परिहार अग्रक। आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। अगर पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो आप अदरक खाकर यात्रा आरंभ करें, सफलता के योग बन जाते। राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक, यमगंड काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में शुरू करें तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। व्रत त्योहार में आज अन्नकूट और गोवर्धन पूजा होगी। हम आपको राशि परिचय विषय में जानकारी देते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर ली। समस्या यहाँ पे ये आती है, कुछ अक्षर दो अक्षर से मिलकर बनते हैं। आप परेशान न होइए, क्यों हम आपको रास्ता बताते हैं। देखो, दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर परा होता है और परा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि प्रमोद, प्रेमनाथ। अब आप क्या करेंगे? तो भाई, परा को आप पास देखें, कहने करती है परा को आप कन्या राशि। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है और त्रा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि त्रिभुवन, त्रिवेणी। अब आप क्या करें? भाई, त्रा को आप ता से देखें, कहने का मतलब ये है कि त्रा को आप तुला राशि में। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है और ज्ञा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे ज्ञानचंद, ज्ञान सिंह थापा। अब आप क्या करेंगे? भैया, ज्ञान को आप गा से देखें, कहने करती है ज्ञान को आप मकर राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर स्रा होता है और स्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे कि श्रवण कुमार, श्री चंद। अब आप क्या करेंगे? तो भैया, स्रा को आप सा से देखें, कहने करती है स्रा को आप कुंभ राशि में देखें, ठीक है ना। अब हम आपको सभी राशियों का, यानी 12 राशियों का राशिफल और कुछ खास टिप्स की जानकारी देंगे, ध्यान दीजिएगा। एरिस यानी मेष राशि, मेष लग्न राशि के जातकों, आज का दिन शुभ है। रोजी रोजगार में लाभ होगा। पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा। माता का भी सहयोग मिलेगा। वाहन सुख मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। शरीर में प्रसन्नता रहे। आपके लिए विशेष उपाय है, आज बजरंग बाण का पाठ करिए तो दिन और भी अच्छा बीतेगा। आपके लिए शुभ रंग है लाल। शुभ अंक 9, 18, 27। टोरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों, आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।
क्योंकि आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आने के योग दिख रहे हैं, झगड़े झंझट की भी स्थिति आपके सामने आ सकती है, भाई बहन से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, धन हान होने के भी योग। विशेष उपाय, आप फटे कटे जले वस्त्र न पहने, इससे आज आपकी दिक्कत कम होगी। आपके लिए शुभ रंग है सफेद, शुभ अंक 6, 15, 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज संतान का सहयोग मिलेगा, विद्यार्थियों को विद्या का विशेष लाभ मिलेगा, परिवार का भी सहयोग रहेगा, धन संग्रह करने की योग दिखाई दे रहे हैं, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता को सुख प्राप्त होगा। विशेष उपाय, आप मांस मजरा से दूर रहें तो आपकी दिन और भी अच्छा बीतेगा। आपके लिए शुभ रंग है हरा, शुभ अंक 5, 14, 23। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों, आज जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने की दिखाई दे रहे हैं, माता को सुख प्राप्त होगा, सरकारी अधिक विभाग में काम होने के योग बन रहे हैं, पिता का सहयोग मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन खुश रहेगा। विशेष उपाय, जल का दान करिएगा, इससे दिन आपका और भी बेहतर रहेगा। शुभ रंग है आपका सफेद, शुभ अंक 2, 11, 29। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज सतर्क रहिएगा, भाई बहन से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, साहस बल में कमजोरी रहेगी, फिजूल खर्चे बढ़ेंगे, भाग्य में बाधा पड़ेगी, अपयश मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए विशेष उपाय है, लाल वस्त्र का दान करिए, इससे दिक्कत आपकी कम होगी। शुभ रंग है आपके लिए लाल, शुभ अंक 5, 14, 23। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज परिवार का सहयोग मिलेगा, धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं, धन संग्रह करने के भी योग बन रहे हैं, आयु में वृद्धि होगी। विशेष उपाय, तुलसी के पेड़ में स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं, आपका जो है इससे दिक्कत यानी आपका दिन अच्छा कटेगा। आपके लिए शुभ रंग है हरा, शुभ अंक 5, 14, 23। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मन खुश रहेगा, खुश हो जाइए, आज आपको गृहस्थ लाभ मिलेगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजी रोजगार में लाभ होगा और सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए विशेष उपाय है, धुले साफ प्रेस किए हुए कपड़े पहने, इससे आपका दिन और बेहतर रहेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद, शुभ अंक 6, 15, 24। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आज खर्चा अधिक होगा परंतु बाहरी स्थान और सहयोग मिलेगा, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य प्रबल है। विशेष उपाय, गणपति स्त्रोत का पाठ करें, इससे जो है आपका दिन और अच्छा बीतेगा। शुभ रंग है आपके लिए लाल, शुभ अंक 9, 18, 27। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों, आज धन लाभ होने की योग दिख रहे हैं, आयु में वृद्धि होगी, परंतु संतान को कष्ट मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं, दिमागी टेंशन बढ़ेगी, लव लाइफ वाले सावधान हो जाइए, आज आपके लव पार्टनर से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए विशेष उपाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माले का आप जप करिएगा, इससे जो है आपका दिन अच्छा बीतेगा।
आपके लिए शुभ रंग है पीला, शुभ अंक 3, 12, 21, 3। कैपी कार यानी मकर राशि, मकर लग राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए अच्छा है। पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजी रोजगार में लाभ होगा, पिता को सुख प्राप्त होगा, सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी लाभ होने की योग है। आपके लिए विशेष उपाय है ओम संग संस्कराय नमः मंत्र का एक माले का जप करें, तो इससे दिन और आपका अच्छा बीतेगा। आपके लिए शुभ रंग है नीला, शुभ अंक 8, 17, 26। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग राशि के जातकों आज भाई बहन से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, साहस बल में कमजोरी दिख रही है, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, अपयश मिलने के योग दिखाई दे, झगड़े झंझट की स्थिति आपके सामने आने के भी योग हैं। आपके लिए विशेष उपाय है काली गाय को रोटी खिलाएं, इससे आज दिक्कत आपकी कम होगी। आपके लिए शुभ रंग है नीला, शुभ अंक 8, 17, 26। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग राशि के जातकों आज संतान को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, दिमागी टेंशन बढ़ने के योग हैं, परंतु आयु में वृद्धि होगी, पूर्वजों की शक्ति का लाभ मिलेगा, परिवार का भी सहयोग मिलेगा, धन संग्रह करने के योग हैं। सावधान हो जाइए, लव लाइफ वाले लव पार्टनर से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय अपने पति का अपमान न करें, इससे आपकी दिक्कत कम होगी। आपके लिए शुभ रंग है पीला, शुभ अंक 3, 12, 21, 3। अपने राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो राशिफल को लग्न से देखें, अगर आपको अपने लग्न नहीं मालूम है तो हमसे कमेंट बॉक्स में अपने लग्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए उपायों को अमल में लाके लाभ उठाइए। जिन लोग लाभ उठा चुके हैं कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।